एरोक्स लेते समय मेरे साथ डिलीवरी का क्या स्कैम हुआ? किलोमीटर में बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही थी। अगर आपके पास ये 1189 वाला सीरीज है एसी नंबर का तो वो डिफेक्टेड है। वो सर्विस सेंटर वालों ने जुगाड़ करके फ्यूल पाइप लगाया हुआ है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो सेकंड दोबारा से एरोक्स के बारे में होने वाली है, जिसका मैंने आपको मॉडिफिकेशन का रिव्यू दिया था कि कितनी क्या कॉस्ट आती है, शॉकर वगैरह, इन सब चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली दो चीज़ें कवर होने वाली है। फर्स्ट, शोरूम एक्सपीरियंस, जब मैंने ली थी तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला, एरोक्स लेते समय मेरे साथ डिलीवरी का क्या स्कैम हुआ था, और सेकंड चीज़ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई लेते समय और लेने के बाद। पहले डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो शोरूम वालों ने मेरा काट दिया। तो हम पहुंचे यामाहा के शोरूम जो द्वारका में पड़ता है, शाहने कहते हैं शायद उसे, उस शोरूम में पहुंचे सुबह 11 बजे। शोरूम में पेमेंट एंड पेपर वर्क होते होते मुझे डिलीवरी मिली दिन के 3 बजे, और 3 बजे मैं वहां से शोरूम से निकला। और जब मैं इसे लेकर निकला शोरूम से 5 किलोमीटर दूर ही सिर्फ, तो इसका हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ख़राब। मैंने कॉल की शोरूम वालों को कि इसमें ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। उन्होंने मुझे बोला, सर आप ले आइए, वायर कनेक्ट नहीं होगी टायर में, फ्रंट टायर में, या फिर फ्यूज़ में दिक्कत होगी, हम रिपेयर कर देंगे। मैं गया, उन्होंने ठीक कर आके मुझे कैसे न कैसे दे दी। निकला 1 किलोमीटर बाद सेम प्रॉब्लम, इस बार प्रॉब्लम बड़ी थी। लेके निकला पहली बार ये ख़राब हुआ, इसके स्पीडोमीटर में बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही थी। और सेकेंड टाइम में जब दिक्कत आई तो इसके ABS में आ गई, ये ABS प्लेट होती है कोई, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो नए स्कूटर में सिर्फ 5-10 किलोमीटर भी नहीं चला था जो ठीक से, उसमें ये दो प्रॉब्लम आई। तो पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दिक्कत, फिर ABS की प्रॉब्लम। इसको ठीक करते करते उन्होंने कहा, सर पास में सर्विस सेंटर है, हम रिपेयर कर देते। वहाँ 2 घंटे वेस्ट करे उन्होंने, वो से ठीक करने में, रिपेयर करने में लग रहे थे। मैंने पूरा ये स्कूटर कैश में लिया था, तो घर में मुझे पापा भाई सबने सजेस्ट करा कि नया पीस ले, जब पैसे इतने दे रहा है तो डिफेक्टेड मत ले करा। तो वहाँ जाके बहसबाजी हुई, 6 बजे शाम को मुझे वहाँ से सेकंड स्कूटर की डिलीवरी मिली। अगर जिसके पास भी एरोक्स है वो देख रहा है, और अगर अपना चेसी नंबर चेक करेगा वो, तो यह है इसका विन नंबर, चेसी नंबर 111189। पहले मुझे ये दिया गया था स्कूटर जो डिफेक्टेड था, उसके बाद दिया मुझे चेंज करके 11212। अगर आप यहाँ चेक करेंगे अपने स्कूटर में तो इसमें भी यहाँ लिखा है 11212। कोई भी भाई देख रहा है जिसके पास एरोक्स है, अगर आपके पास ये 11189 वाला सीरीज़ है चेसी नंबर का, तो वो डिफेक्टेड है। वो मेरे पास आया था पहले, मैंने चेंज करके ये 121 वाला लिया था। तो ये जो मुझे स्कूटर चेंज करके दिया था, इसमें भी दिक्कतें निकली, जो मैं बताता हूँ क्या। सर्विस सेंटर में मुझे एक बुक मिली थी जिसमें सब कुछ मेंशन था, कितने किलोमीटर पे कौन सी चीज़ चेंज होनी है। पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना, मैं सिर्फ एरोक्स के बारे में बात करूँगा। इस बुक के अकॉर्डिंग एयर फिल्टर चेंज होना है 16,000 किलोमीटर पे, और गियर ऑयल चेंज होना है 12,000 किलोमीटर पे। आप ये चीज़ देखेंगे, ये जो पाइप जा रहा है, ये वाला, ये जा रहा है गियर बॉक्स से होते हुए इस फिल्टर में, इस फिल्टर में कनेक्ट हो रहा है ये। तो इस स्कूटर में जब मैंने लिया था ये मिसिंग था, यहाँ पे ये पाइप नहीं था, जिस वजह से मेरा एयर फिल्टर जो 16,000 पे चेंज होना है वो हर सर्विस पे चेंज हो रहा था। फिल्टर की शक्ल कुछ ऐसी है, हर सर्विस पे ख़राब हो जा रहा था। ये मिसिंग था मेरी एयरोक्स में पार्ट। तो भाई कोई भी ले रहा है तो चीज़ें ध्यान से देख ले। सर्विस सेंटर वालों ने जुगाड़ करके फ्यूल पाइप लगाया हुआ है, प्रॉपर क्लिप आती है यहाँ पे जो फिक्स होती है टायर पे, और ये लग रहा है ऊपर वहाँ। तो इसी वजह से मेरा फ़िल्टर ख़राब हो जाता था, जिससे वजह से 2 बार चेंज हो चुका है, जिसके लिए मैं पूछता रहा, बट उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ पे ये डायरेक्ट इनटेक लेता है, जो उन्हें बताना चाहिए था, उनकी कमी है जो मेरा नुकसान करा। क्योंकि ये सर्विस, ये शोरूम से ही नहीं मिला मुझे ये पाइप, मैंने वहाँ जाके कंप्लेन की तो उन्होंने इसका भी चार्ज लिया मुझसे। मैं अभी दिखाता हूँ आगे, इसकी जो अलाइनमेंट थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो अलाइनमेंट भी मैंने सर्विस सेंटर से कराई, जिसके लिए उन्होंने मुझसे लिए 650 रुपये। अलाइनमेंट के जो मुझे शोरूम से ही दिक्कत मिली थी, उसके भी उन्होंने मुझसे ही पैसे लिए, कह रहे चार्ज लगेंगे। अब फिर मैंने वो भी करवा ली। ये थी दो मेजर प्रॉब्लम। जब मैंने सर्विस सेंटर पे बोला मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, मेरा एयर फिल्टर इतनी जल्दी क्यों ख़राब होता है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप धूल मिट्टी में चलाते होंगे, मतलब कुछ भी। तो असली प्रॉब्लम ये थी जो इन्होंने फ्यूल पाइप का जुगाड़ कर लगाया। फ्री सर्विस के पेपर, ये फर्स्ट सर्विस का है, ये यामा जहाँ से मैंने स्कूटर लिया था अपना, ये वहीं का शोरूम से सर्विस करवाई थी। इसमें
पहली सर्विस में ऑयल चेंज हुआ, गियर ऑयल, उसके बाद कूलेंट टॉपअप हुआ 50 रुपीज़ का, कॉस्ट आई मुझे 477 रुपीज़। ओके चलो फर्स्ट सर्विस डन, आ जाते हैं सेकंड सर्विस पे। तो ओखला में पड़ता मेरे घर के पास, 3 दिसंबर को इस वक्त चली थी 3000 किलोमीटर। इस सर्विस में अगेन इंजन ऑयल चेंज हुआ, गियर ऑयल चेंज हुआ और ये एयर फिल्टर जो 3000 किलोमीटर पे इन्होंने चेंज करा, कूलेंट टॉपअप 12 रुपये। और ये शोरूम से ही मुझे दिक्कत मिली थी, फॉक अलाइनमेंट, जो फ्रंट का शॉकर थे उनकी अलाइनमेंट ख़राब थी, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 650 रुपये। टोटल ये बिल था, उसके बाद GST लगा के मेरा टोटल बिल बैठा 1746 रुपीज़ का, जो कुछ ज़्यादा ही था। जो दो चार्ज थे अलाइनमेंट और एयर फिल्टर, ये दोनों वेस्ट ऑफ मनी थे, जो मेरी गलती नहीं थी, बट कहाँ ही सुनते शोरूम वाले भी। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड फ्री सर्विस पे, 3 अप्रैल 2023 को। इसमें चेंज हुआ इंजन ऑयल जो होता है, उसकी कॉस्ट थी 297। उसके बाद गियर ऑयल, इसकी कॉस्ट 48 रुपीज़ पड़ी। इसके बाद ये फ्यूल पाइप, जो यामाहा की बाइकों में फ्यूल पाइप लगता है, ये वाला, जिसकी कॉस्ट पड़ी है 37 रुपये, जिसके इन्होंने मुझसे चार्ज लिए हैं, वो लगा है यहाँ, आप ये चेक करेंगे तो, ये जिसकी मैंने बात कर रहा था, ये फ्यूल पाइप है जो इन्होंने लगाया है। यहाँ पे पाइप कनेक्ट है इसका एयर फिल्टर से। ये गियर ऑयल भी बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, इसकी भी अराउंड 6000 किलोमीटर तक की लिमिट है, उसके बाद ही चेंज करवाए। शोरूम वाले अपना खुद से दिमाग लगाते हैं, हर सर्विस पे चेंज करते हैं। तो इसके फ्यूल पाइप के बाद अगेन एयर फिल्टर, जिसकी कॉस्ट यहाँ पड़ी 432 रुपये, 5% डिस्काउंट के साथ। और फिर यामालूप कूलेंट टॉप अप 25 रुपये का। तो एयर फिल्टर का बार बार मुझे झटका लग रहा है, अब नेक्स्ट सर्विस में देखते हैं क्या होता है। इसका टोटल बिल बैठा 992। अगर एयर फिल्टर नहीं होता तो ये मुझे 500-550 के अराउंड पड़ता। तो ये कुछ इशू थे, फिर सर्विस सेंटर से भी मैं लेके निकला, उसके बाद से अभी तक जब नेक्स्ट सर्विस होगी चौथी फ्री, तब देखते हैं एयर फिल्टर कितना कैसे काम करता है, कितना गंदा हुआ है, कितना साफ है, नहीं तो क्लीन होता है ये टिल 16000। ये वैसे डिपेंड करता है किस कंडीशन में चलाते हो आप, तो ऑब्वियसली अपने, अगर आपने स्कूटर लिया है तो केयर करके ही चलाओगे। तो ये था मेरा थोड़ा बहुत रिव्यू, होपफुली इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। कभी नया एयरोक्स ले कोई भी वीडियो देखने वाला, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।